डियर स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त फलन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एफ आर से आर पर, एफ आर से आर पर तथा जी आर से आर पर दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हो, तो एफ ऑफ जी तथा जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये संयुक्त फलन होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके समझते हैं। देखो, सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया है ये फंक्शन f फ्रॉम r से r, और g दिया है g फ्रॉम r टू r। r यहां रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। अब अपने को फाइंड आउट करना है f ऑफ g, एफ ऑफ जी, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, और जी ऑफ एफ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी फाइंड आउट करने के लिए अपन ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ जी x बराबर f ऑफ g ऑफ x, ये इस तरह से लिखा जाता है। ये एक तरीका होता है जिसे इसको इस तरह से लिख के f ऑफ g को f ऑफ g ऑफ x लिख के, अब हम g ऑफ x देखते हैं। हाँ, g ऑफ x x स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है, तो अपने इसको लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, अपने को दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5। अब स्टूडेंट्स, f ऑफ x ये फंक्शन दिया हुआ था x, x की जगह ये आ रहा है, अगर हम x रखते हैं तो ये आ रहा है, और x स्क्वायर की x की जगह ये x स्क्वायर प्लस 5 रखेंगे तो x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। देखो, अब यहाँ पे 2 और x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। स्टूडेंट्स, यहां तक ये दिया हुआ था, हमने gx की वैल्यू रखी, gx की वैल्यू ये यहां रख दी। उसके बाद जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू, अगर x रखे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, फिर ये रखेंगे तो x की जगह ये आ जाएगा। देखो, इसको सॉल्व करते हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, 2x की पावर 3 एंड 2x की पावर 2 प्लस 13, ये अपना f ऑफ g आएगा। अब स्टूडेंट, हमने f ऑफ g निकाल दिया और g ऑफ f भी निकालेंगे। हमने f ऑफ g निकाल लिया, अब हम निकालेंगे g ऑफ f। g ऑफ f को इस तरह से लिखते हैं, g ऑफ f x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। स्टूडेंट्स, अपन यहां करेंगे f ऑफ x जो इसमें दे रखा है, f ऑफ x क्या दे रखा है, 2x प्लस 3। अपन यहां लिख भी सकते हैं ताकि अपने समझने में आसानी हो, 2x बराबर दे रखा है, fx बराबर दे रखा है 2x प्लस 3, और gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो, f ऑफ x किसी का ये वैल्यू रख देते हैं, तो g ऑफ 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट, ये हमने x की जगह ये g के x में आ गया, g के x में अगर x हो तो ये वैल्यू आती है, तो अब यहां x की जगह ये पुट कर देंगे। देखो, टू एक्स प्लस 3, यहां x की जगह मैंने ये रखा और इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी होल स्क्वायर खोल दो, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 5, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 14। हमने f ऑफ g पहले निकाल लिया था और अब g ऑफ f निकाल लिया, इस तरह से हम निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा क्वेश्चन अपने पास, जहां f ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर प्लस 8 और g ऑफ x दे रखा है x की पावर 3, 3x की पावर 3 प्लस 1। तो देखें, अपने को दे रखा है फंक्शन f फ्रॉम r से r और g फ्रॉम r से r,
रियल नंबर से रियल नंबर का कोई फंक्शन है और हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना है, ये कंपोजिट फंक्शन है। और फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एट और जी ऑफ एक्स दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस वन। हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट वही फॉर्मूला कि हम इस तरह से लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को, तो एफ थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस वन और अब यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, देखो थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस वन की होल स्क्वायर प्लस एट। सबसे बड़ी बात है ये जो टर्निंग पॉइंट है सॉल्व, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से लिखा जाता है, लिख दिया जी ऑफ एक्स लिख दिया। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये x की जगह रखनी है, उसके बाद x स्क्वायर हो x क्यूब हो किसी मल्टीप्लाई कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है कि जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी ना अंदर वो इस फंक्शन में यहाँ रखनी है। तो मैंने ये रख के इसकी जगह जैसे ये वैल्यू है यहाँ रखी है मैंने, तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं तो नाइन एक्स की पावर सिक्स प्लस वन प्लस सिक्स एक्स की पावर थ्री प्लस एट। देखो नाइन एक्स की पावर सिक्स प्लस सिक्स एक्स की पावर थ्री प्लस नाइन, ये अपना एफ ऑफ जी आ गया। देखो स्टूडेंट हमने जी ऑफ एक्स को निकाल ही लिया, जी ऑफ एफ ऑफ जी, अब जी ऑफ एक्स निकाल लें, सॉरी जी ऑफ एक्स, देखो जी ऑफ एक्स को इस तरह से लिखते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद एफ एक्स की जगह वैल्यू रख दो, जी ऑफ एफ एक्स की जगह वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एट। अब मैंने बताया था स्टूडेंट ये एक्स की जगह, ये किसकी जगह, ये इसमें, अब इसमें लिखेंगे, देखो एक्स रखते हैं तो ये रखना पड़ता है, ये फंक्शन दे रखा है अपने को, अब यहाँ एक्स की जगह ये रखेंगे तो देखो थ्री फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट, मैंने एक्स की जगह रखा इसकी होल पावर थ्री लगा दी। ये जो फंक्शन दे रखा था जिसमें ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं सीधा यहाँ रखा है मैंने ये वाला, तो उसके बाद प्लस वन और यहाँ तक थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट की होल पावर थ्री प्लस वन, ये भी सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट हमने इन दोनों का एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स निकाल दिया। अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखा है जी ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स, मोड एक्स ठीक है। ये मोड एक्स ये होता है कि मोड में रखने के बाद वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। अब हम इसका एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट इसको इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अपने मोड एक्स, तो ये जो मोड एक्स है अब यहाँ ये वैल्यू है ना एक्स की, तो हम एक्स की जगह रखते हैं तो ये आ गया मोड एक्स। और इसका जी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं एक्स, इसको इस तरह से लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की जगह हम रख रहे हैं एक्स जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है मोड एक्स। तो इस तरह से इसका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं हमने एफ, इसका तीनों का जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकाल दिया। अब इसकी बारी, तो अब देखते हैं एफ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और जी ऑफ एक्स दे रखा है थ्री एक्स माइनस फोर। अब हम पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को इस तरह से लिखते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे
जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ओ थ्री एक्स माइनस फोर। अब स्टूडेंट यहाँ जो मैंने पहले ही बताया था कि ये चीज समझने वाली है कि ये जो वैल्यू है ना, ये अगर एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, और जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो जो यहाँ की वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स की, वो एफ एक्स वाले में रखेंगे। तो यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है ये वाली वैल्यू में एक्स चीज का रखता जाता हूँ। देखो यहाँ साइन यहाँ लगा देता हूँ बराबर का, थ्री एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस टू एक्स की जगह थ्री एक्स माइनस फोर प्लस थ्री। ये जो ये वाली वैल्यू थी मैंने एक्स की जगह रख के, और जो प्रॉपर्टी ये दे रहा है एक्स स्क्वायर लगाना है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया, टू मल्टीप्लाई में है एक्स की जगह थ्री एक्स माइनस फोर लिख दिया प्लस थ्री। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हुआ नाइन एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्सटीन और माइनस टू थ्री फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एट प्लस थ्री। अब देखो नाइन एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो गए एटीन, एटीन एक्स और फिर ये हो गए एट और प्लस इलेवन थ्री इलेवन, तो ये एफ ऑफ जी इसका निकल गया। स्टूडेंट हमने एफ ऑफ जी निकाल दिया, अब जी ऑफ एफ निकाल रहे हैं। जी ऑफ एफ होता है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इसके बाद ये वाली वैल्यू इसके एक्स में रख देते हैं, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये इसका थ्री मल्टीप्लाई में था और एक्स की गई वैल्यू रखी अब माइनस का फोर। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और ये हो गया प्लस ए फाइव, ये हमने जी ऑफ एफ निकाल दिया। क्वेश्चन कर लिया इसके बाद अब एक दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर सेट दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी, इसके अवयव है और बी के अवयव है यू वी और डब्ल्यू, ठीक है, और जो फंक्शन डिफाइन है वो एफ फ्रॉम ए से बी और जी ऑफ जी बी से ए पर, तो ठीक है, और इसका फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर ये है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है कर्मी क्यूब में ए कोमा बी बी कोमा यू सी कोमा डब्ल्यू, और जी ऑफ जी का है यू कोमा बी वी कोमा ए डब्ल्यू कोमा सी, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालना है। तो अपने को सबसे पहले इसका डोमेन ये फंक्शन दिखाना है, कहाँ से कहाँ ये सॉल्यूशन सेकेंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन अपना ए से बी पर, और दूसरा वाला फंक्शन है जी फंक्शन डिफाइन अपना बी से ए पर, ये ए से बी पर और ये बी से ए पर, और ए अपने को दे रखा है ए बराबर ए कोमा बी कोमा सी, और बी दे रखा है यू कोमा बी कोमा डब्ल्यू, और हमें ये सेट दे रखा है और ये फंक्शन एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है। देखो एफ दे रखा है अपने को ए कोमा बी और बी कोमा यू और सी कोमा डब्ल्यू, और जी दे रखा है अपने को यू कोमा बी और बी कोमा ए और डब्ल्यू कोमा सी। अब अपने को एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ निकाल, तो स्टूडेंट वही प्रोसेस इसमें करेंगे कि एफ ऑफ जी अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये लिखा जाता है, ये लिखो या ना लिखो, तो अब देखो जी ऑफ एक्स अपना क्या है, जी ऑफ एक्स में ये इस तरह से सारे अवयव यू कोमा बी, तो अपन क्या करेंगे ये कर्मी क्यूब में, तो ये जैसे कोई एक सेट दे रखा है ए और एक सेट बी दे रखा, समझ रहे हैं यहाँ पे ए है और ये बी है, तो इसमें ये दे रखा है कि ए बी और सी ये कोई फंक्शन डिफाइन है ए से बी पर, जैसे ए से बी पर और ये ए के अवयव ये बी के यू वी और डब्ल्यू, तो इस तरह से इनकी मैपिंग है, ये जो मैपिंग दिखा रहे हैं ना ये सॉरी ये मैपिंग है इसकी ए से बी पर
ऐसे v पर b से u पर और c से w पर, इस तरह की ये मैपिंग है सारी। तो ये जिस तरह से लिखा जाता है a कोमा v और b कोमा u c कोमा w, तो ये कर्मित युग्म में होता है। अब स्टूडेंट ये जो लिख रहे हैं अपन, तो इसको लिखेंगे अपन x के रूप में। देखो f of g of u, हमें f of g और g of f निकालना है। तो क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, तो अपने को डोमेन का, डोमेन और जिसे प्रांत परिसर सह प्रांत ये मैंने बता दिया था, यहाँ f of g होता है ना, तो यहाँ g डोमेन होना चाहिए, g है वो डोमेन होना चाहिए। तो इसका अगर f of g निकालें तो इसका डोमेन ये अपना b आ रहा है, तो b b से एलिमेंट आएंगे, यानी पहला एलिमेंट b का होगा। तो देखो f of g of u यानी b का पहला एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसका लिखेंगे अपन f of g of u, f of g of u को यहाँ दे रखा है, f of g of u जिसका पहला अवयव ये है, तो ये किस पे मैप हो रहा है, ये b पर मैप हो रहा है, तो ये हो रहा है f of b। f ओ बी है वो किस में मैप हो रहा है, f ओ बी ये b u पर हो रहा है, तो इसके इक्वल में आएगा सॉरी u, तो ये u से u कोमा u बिलोंग्स टू f ओ जी ओ। इस तरह से अपन अब v का देखेंगे और w का देखेंगे। हमने देख लिया था f ओ जी ओ u जो भी प्राप्त हुआ था u कोमा u belongs to f of g। अब हम देखेंगे f of g और b का एलिमेंट लेंगे ना, तो v आए, तो इसको लिखेंगे f of g of v। अब देखो f g of v क्या है, g of v है a, तो ये आ गया f of a, f of a क्या है v है, तो ये f v आ। तो यहाँ हमें मिला v कोमा v जो बिलोंग कर रहा है f of g v पर, ठीक है। और इसी तरह से अपन देखते हैं f of g कोमा b का एलिमेंट लेते हैं ना, w बच गया, ये w लिख दो, उसके बाद f of g of w इसको इस तरह से लिखेंगे। अब g of w क्या है, यहाँ देखो ये स्टूडेंट ये समझना इतना ही है कि जो ये मैपिंग है ये जैसे u v और w, ये बस ये b पे मैप हो रहा है और ये a पे मैप हो रहा है, ये c पे मैप हो रहा है, ये बस मैपिंग है। तो इस तरह से ये सेट के रूप में लिखा है, तो अपन यहाँ से एलिमेंट लेंगे, जैसे w की मैपिंग है या c, w की मैपिंग है या c, f of c, f of c की मैपिंग क्या है इसमें देखेंगे, f of c की मैपिंग है w, तो ये आ गया w, ठीक है। तो ये w कोमा w में कर्मित युग्म में मिल गया, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है f of g, और इस तरह से हम g of f निकाल लेंगे। हमने इसका पहला पॉइंट f of g निकाल दिया, अब g of f निकालेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो f होता है ना यहाँ, इसका डोमेन लेते हैं, f का डोमेन क्या है, f का डोमेन ये वाला, यानी फंक्शन इसका डोमेन a है, तो एक एलिमेंट पे मैप करवाएंगे। फिर लेते हैं g of f of a, g of f of a बराबर g of f of a, g of पहले g का कर रहे थे, अब f का देखो, f की मैप कहाँ पे हो रही है, v पे हो रही है, तो g of v। अब v की मैप किस पे हो रही है, a पर हो रही है, तो यहां से लिखेंगे a, तो अपने को a कोमा a belongs to g of f में मिला। अब स्टूडेंट हम आगे g of दूसरा एलिमेंट बचा हुआ इसका b, g of b देखते हैं, तो इसको लिखेंगे g of b f of b, तो b कहां से आ रहा है, तो f of b है ना, b के u से b में हो रहा है u पर,
तो ये हो गया जी ओ यू, जी ओ यू किस पे हो रहा है, बी पर मैप हो रहा है, तो ये बी बी हो गया, तो यहाँ बी कोमा बी बिलोंग्स टू जी ओ एफ होगा, और इस तरह से जी ओ एफ अपन देखेंगे, इसका डोमेन में बचा हुआ है सी, इसके सी पर देख लेते हैं, जी ओ एफ सॉरी जी ओ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह सी है, तो यहाँ देखेंगे अब एफ ऑफ सी किस पे मैप कर रहा है, एफ ऑफ सी डब्ल्यू पे मैप कर रहा है, जी ओ डब्ल्यू, और जी ओ डब्ल्यू किस पे मैप कर रहा है, सी पर कर रहा है, तो ये सी, तो हमें मिला दिस इंप्लाइज सी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी ओ एफ। देखो स्टूडेंट अपने को ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री प्रश्न वाला 1.1 का, यदि एफ फ्रॉम आर प्लस से आर, ये धनात्मक वास्तविक संख्या अंतर का अपने पास क्या है प्रांत और सहप्रांत, तो ये दूसरा फंक्शन है जी फ्रॉम आर प्लस से आर प्लस तक निम्न प्रकार परिभाषित है एफ एक्स एफ ओ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स, तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी अपने को फाइंड आउट करना है, वही तरीका है, तो सॉल्यूशन अपन लिख लेते हैं, फंक्शन लिखना कहाँ से है आर प्लस से आर प्लस पर, और दूसरा कहाँ से डिफाइन है आर प्लस से आर प्लस पर, और अपने को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को रूट एक्स, अब अपने को जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसके बाद एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रख देते हैं जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां ये एक्स रखने के बाद ये वाला एक्स इसमें रखते हैं, तो देखो इसके बाद रखते हैं एक्स स्क्वायर का रूट, मैंने ये वाला एक्स इसके अंदर रख दिया, तो फिर मुझे मिला एक्स स्क्वायर से रूट कट गया एक्स मिल गया, और फिर इसका एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो स्टूडेंट जी ऑफ एक्स क्या है मेरा एफ रूट एक्स है ना, ये दे रखा है रूट एक्स, उसके बाद मैं एक्स की जगह ये रख देता हूं, ठीक है एक्स की जगह ये रख देता हूं, देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया रूट एक्स, ठीक है, तो अब इसके बाद इसका एक दूसरा टॉपिक रह गया कि ये हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल दिया, अब इसका बचा हुआ पार्ट ये है कि क्या ये तुल्य फलन है, तुल्य फलन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, तुल्य फलन कोई जिससे एफ कोमा जी तुल्य फलन होने के लिए हमें पहले तो एफ का प्रांत बराबर जी का प्रांत और एफ का प्रांत है एक नंबर पे एफ का प्रांत, ये आर है ना, और आर इसका डोमेन है प्रांत है और जी का प्रांत भी आर है, तो दोनों का प्रांत सेम है, उसके बाद एफ का सहप्रांत या परिसर ले लो, परिसर एफ का परिसर और जी का परिसर वो भी यहाँ सेम है आर से आर पे हो रहा है, तो ये वो भी सेम है, और थर्ड होता है एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स, ये अगर भी बराबर हो जैसे इक्वेशन दे दो यहाँ वन से और टू से, इक्वेशन वन और टू आर इक्वल वन और टू, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर है, तो ये मेरा फंक्शन तुल्य फलन भी है, देखो स्टूडेंट ये फंक्शन दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर फोर है, फंक्शन एफ से आर पर है और दूसरा जो फंक्शन दे रखा है जी आर से आर पर, तो दो ऐसे फलन हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 तथा जी ऑफ एक्स बराबर 1 बाई 3 एक्स माइनस 4, तो एफ ऑफ जी
एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ याद कीजिए, और जी ऑफ जी की जी और वन पर ज्ञात करना है, तो मान भी क्या है देखो सॉल्यूशन करते हैं। अपने को दे रखा है फंक्शन एफ फ्रॉम आर से आर पर लिख दिया, तो जी से आर से आर पर लिख दिया। उसके बाद अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 4 और जी ऑफ एक्स है 1/3 एक्स माइनस 4। तो स्टूडेंट अब अपन निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके बाद जी ऑफ एफ यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रख देते हैं अपन एफ ऑफ 1/3 एक्स माइनस 4 वो हमें दिया है। इसके बाद ये वाली वैल्यू इसकी जगह रखते हैं, तो 3 और यहां लिखेंगे 1/3 और x माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। और तो यहां देखो यहां तक x की जगह मैंने रखा था ये वाली वैल्यू, और ये ब्रैकेट यहां लगा के यहां लगा, अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 12, यहाँ से यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 1 हो गया और फिर x बच गया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो सॉरी इसको यहाँ से काट ही दो सीधा, तो x माइनस 4 प्लस 4 बराबर x, और g ऑफ f निकालना है अपने को, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स जी, तो एफ एक्स क्या है अपने पास, अपने पास है जी ओ 3x प्लस 4, और देखो स्टूडेंट अब एक्स की जगह ये एक्स की जगह रख देते हैं, देखो 1/3 और 3x प्लस 4 3x प्लस 4 माइनस 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, इसके वैल्यू भी एक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका बचा हुआ पार्ट ये अपन ने कर लिया वो कर लिया, अब इसका जी ओ जी बचा है, जी ओ जी वन पर निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे जी ओ जी ओ पर, ठीक है, तो जी ओ पर दे रखे अपने को जी ओ 1/3 एक्स माइनस 4, ठीक है। अब ये जो दे रखे हैं अपने को, अब अपन क्या करेंगे ये वाली वैल्यू फिर पुनः इसमें रखेंगे, देखो 1/3 और यहाँ 1/3 और x माइनस 4 और माइनस 4, और यहाँ पे क्योंकि अपने को किस पे निकालना है x बराबर 1, तो 1/3 और यहाँ रख देता हूँ 1/3, 1 की जगह में 1 रखता हूँ 1-4, तो ये प्लस माइनस 4, ठीक है, तो इसके बाद ये सॉरी इसके कंप्लीट मल्टीप्लाई, तो ठीक है। अब देखो ये -3 हो गया, -3 को 3 से -1 और -4 -5, तो -5/3, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट ये प्रश्न वाला हमारे पैटर्न का 5 क्वेश्चन है, एफ जी और एच तीन फंक्शन दे रखे हैं जो आर से आर पर है, इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स और एच एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। ये तीन फंक्शन कंपोजिट हो रहे हैं, इनका मान √2π पे निकालना है। तो स्टूडेंट देखो अपने को क्या दे रखा है, फंक्शन देख रखा है f फ्रॉम r से r और g फ्रॉम r से r और h फ्रॉम r से r, तीनों फंक्शन r से r पर, ठीक है। अब अपने को fx दे रखा है x स्क्वायर और gx दे रखा है अपने को cos x और hx दे रखा है अपने को 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे एच ऑफ जी ओ एफ
ये निकालेंगे। तो इसमें ये करेंगे, सबसे पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, एच ऑफ इसको छोड़ लेते हैं, इसकी बात करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे अपन एच स्क्वायर। देखो एच जी ऑफ इसकी जगह वैल्यू रखेंगे एच स्क्वायर, और फिर ये वाली वैल्यू इसमें यहां रखेंगे। देखो एच ऑफ, ठीक है, और ये वैल्यू यहां इसमें रखेंगे, तो क्या होगा अपना कोस कोस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर इसमें रखा है, तो फिर ये वाली वैल्यू यहां रखें, तो ये अपने वैल्यू मिल गई। अब अपने एच ऑफ एक्स बन गया, एच ऑफ एक्स क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, तो मैं इसको यहां लिखूंगा एक्स की जगह ये रखूंगा, ये वाला एक्स मैंने अब यहां रखा है, तो फिर कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री। अब स्टूडेंट अपन ने ये निकाल लिया, अब क्या पूछा इसने कि एट रूट टू पाई पर निकालना है, यानी चूंकि एक्स दे रखा है अपने को रूट टू पाई, अब मैं एक्स की जगह ये वैल्यू लिखूंगा, तो टू कोस रूट टू पाई, रूट टू पाई, और इसका मैंने होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो यहां हो जाएगा टू कोस टू पाई, ठीक है, और प्लस थ्री। अब स्टूडेंट कोस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो अपन जैसे कोस एन पाई की वैल्यू निकालते हैं ना अपन, तो उसको मान आता है माइनस वन की पावर एन, जहां जहां एन अगर वन आ गया, एन वन आता है तो पाई हो जाएगा ये, जैसे मैंने एन बराबर वन लिया, एन बराबर टू लिया, देखो तो मुझे ऐसे मिला कोस पाई, वन रखने पे पाई मिला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन की पावर वन, तो माइनस वन, और कोस टू पाई रखा मैंने भाई, टू आएगा टू पाई हो जाएगा, टू पाई की माइनस वन की पावर टू, तो वन मिला, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, एन है ना टू पाई, वन मिलेगा, तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री बराबर फाइव, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जिसमें अपने को क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो ये है कि अपने को सॉल्यूशन में फंक्शन दे रखा है आर से आर पे डिफाइन, और ये वाला भी एफ जी आर से आर पर डिफाइन, और अपने को एफ ऑफ एक्स दे रखा है टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू, और जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब अपने को निकालना है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू रखते हैं जी ऑफ टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू, ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं, तो देखो टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू होल पावर फोर प्लस टू, और टू एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू और प्लस फोर, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हमने इसका एफ ऑफ जी निकाल दिया, और जी ऑफ एक्स में पूछा नहीं, ठीक है। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर सेवन जिसमें दे रखा है कि एक समझिए ए है वो वन टू थ्री फोर है, और जो आर से आर पर डिफाइन है, और दूसरा इसका फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और दूसरा फंक्शन है जो जी आर से आर पर डिफाइन है, और उसका जी ऑफ एक्स दे रखा है टू एक्स माइनस थ्री, और अपने को एफ ओफ जी और जी ओफ एफ ओफ एफ जी ओ जी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डोमेन एफ फ्रॉम आर से आर, ये फंक्शन आर से आर पर डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, और जी है जो आर से आर पर डिफाइन है, और यहाँ एफ एक्स है
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री। तो अपने को निकालना है एफ ऑफ जी कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एफ, देखो जी की जगह टू एक्स माइनस थ्री और फिर ये वाला ये वाली वैल्यू है ये इस पर रख देते हैं, देखो टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन। तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और ये हो गया माइनस थ्री ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन प्लस वन। तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स और ये कैंसिल हो गया इससे प्लस वन। तो ये हमने एफ ऑफ जी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स क्या आएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब ये वाली वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं तो देखो टू एक्स की पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस वन और माइनस टू माइनस थ्री सॉरी माइनस थ्री ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू माइनस थ्री। ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और ये हो गया माइनस वन। ये हमने इसका जी ओ फाइव निकाल दिया। अब स्टूडेंट हमने एफ ओ जी निकाल दिया जी ओ फाइव निकाल दिया अब एफ ओ एफ निकाल दें। इसको इस तरह से लिखते हैं एफ ओ एफ ओ एक्स। तो एफ ओ एक्स है ये अपना एफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और फिर यही वैल्यू अपन पुनः एक्स की जगह रख देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ये होल स्क्वायर और प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और प्लस वन और ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर प्लस और ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स नाइन एक्स प्लस और फोर और ये इसका एफ ओ जी हो जाए एफ ओ एफ हो जाएगा। फिर हम जी ओ जी निकालेंगे जी ओ फोर्थ नंबर है इसका जी ओ एक्स। इसको इस तरह से लिखते हैं जी ओ एफ जी ओ एक्स और जी ओ एक्स की वैल्यू अपने पास 2x माइनस थ्री और ये x की जगह पुनः रख देते हैं इसकी जगह तो फिर ये हो जाएगा अपना 2x माइनस थ्री और माइनस थ्री। तो ये हो गया 4x और माइनस सिक्स माइनस थ्री तो ये 4x माइनस नाइन ये अपने जी ऑफ जी निकाला।